So hey everyone, previously I have discussed about how to create a LinkedIn profile, how to create a LinkedIn banner and create the profile picture, how to set up a profile picture. मैंने इसके अलावा भी जैसे कि प्रोफाइल में आप देखने से आपको मालूम ही चल जाएगा कि आपको जो एडुकेशन किस कॉलेज के बच्चे हो, आप किस कॉलेज में पढ़ाई करते हो, उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया. नाउ द पॉइंट इज यहाँ पे और भी बाकी जो भी चीज आपको ऑलरेडी प्रोफाइल में दिख जाएगा. जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको जैसे प्रोफाइल आपको खोलने साथ साथ आपको यहाँ पे दिखाई देगा. There are so many things. Open to add profile section. यहाँ पे add position, add summary, ये सारा का सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा. अभी currently ये जो आपका position है, ये जो भी profile आपको clear आपको दिख रहा है, लेकिन हम लोगों का जो final goal है, जैसे कि मैंने discuss किया था कि final goal में हम लोगों को इस तरह का एक profile में पहुँचना है. तो बिना time गवाए चलिए शुरुआत करते हैं. जैसे कि आपको देख के पता ही चल गया होगा करना कैसे. मैंने यहाँ पे जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने बैनर सेट कर दिया, मैंने जो प्रोफाइल पिक्चर वो सेट कर दिया. नाउ द ऐड द प्रोफाइल सेक्शन. यहाँ पे ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे आपको क्या क्या चीज के बारे में गौर करना पड़ेगा वो मैं इस वीडियो में बात करूंगा. यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जो चीजें है वो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं. कोर चीज में यहाँ पे क्या क्या आता है, ऐड द अबाउट सेक्शन. यहाँ पे अबाउट सेक्शन, मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए अबाउट सेक्शन कैसे होगा देखो मैं ब्रीफ डिस्कशन दे देता हूँ कि आपका अबाउट सेक्शन क्या होगा. करंटली आप कौन से ईयर में हैं, आप क्या कर रहे हो, आपका एक्सपर्टीज क्या है, आप क्या क्या कर सकते हो, आप क्या किस लिए इस प्लेटफॉर्म में हो, आपके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन यहाँ पे हो जाना चाहिए. हो सकता है आप इसको पैरा पैरा में डिवाइड करके आप लिख सकते हो या फिर आप सिंगल पैरा में भी लिख सकते हो. द बेस्ट एडवाइस इज टू पैरा पैरा में आपको डिवाइड करके लिख देना. एंड जितना ज्यादा बहुत ज्यादा आपको डिटेल्स में नहीं लिखना है, लेकिन आपको यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा 2600 वर्ड तक आप लिख सकते हो. यहाँ आपको कोई भी इससे फायदा क्या होता है, कोई भी अगर प्रोफाइल अगर आपको किसी का प्रोफाइल अगर विजिट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी ने प्रोफाइल आपका विजिट किया है, ठीक है, तो आपको ऐसे अबाउट सेक्शन में अगर मैं सबसे जो जाऊंगा कि आप बंदे करते क्या हो इसके बारे में अगर मुझे जानना हो, तो सबसे पहले मैं अबाउट सेक्शन में जाऊंगा. यहाँ पे अबाउट सेक्शन में गया, यहाँ पे कुछ मैंने बहुत ही छोटा है क्रिप्स मैंने इसे अबाउट सेक्शन में लिखा. आप स्टार्टिंग में ना आपको लिखने लायक बहुत कुछ नहीं रहता, तब आप कर सकते हो कि जितना ये यहाँ पे मैंने लिखा है ना, इतना सा आप कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल सकते हो अपने अपने डिटेल्स को निकाल के. इसके अलावा आप इससे बेहतर भी आप डाल सकते हो. मैं अभी वीडियो को ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर लिखने में बढ़ जाऊं, लेकिन मैं आपको इसमें अलग से गाइड कर दूंगा. अगर आपको स्टार्टिंग में समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है क्या क्या लिखूं, तो मैं जितना भी जो डाल रहा हूँ ये एग्जैक्टली अपना डिटेल्स को, मेरा डिटेल्स को हटा के अपने डिटेल्स में डाल के इसे यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हो. नाउ द पॉइंट इज यहाँ पे जब आप इसे ऐड कर दोगे ना, नेक्स्ट आपको आ जाता है अबाउट सेक्शन के बाद आपको स्किल सेक्शन में आ जाता है. स्किल सेक्शन में आप क्या क्या ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट आपको ऐड कर सकते हो. जैसे यहाँ पे कुछ आपको सजेशन मिलेगा वो सारा का सारा कुछ ऐड कर दो, अप टू 50 तक आप ऐड कर सकते हो. तो मैंने बता दिया अबाउट सेक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया. नाउ द पॉइंट इज स्किल्स में हाँ आप जावास्क्रिप्ट, अगर आपको एंगुलर जेएस आता है तो आप ऐड कर दो, मुझे नहीं आता तो मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूंगा. पीएचपी का मुझे नॉलेज है तो मैं पीएचपी ऐड करूंगा. वर्डप्रेस का नॉलेज है, मैं वर्डप्रेस ऐड करूंगा. एडोबी फोटोशॉप, इसके अलावा ऐड स्किल्स में आप जिससे चाहे आपका, मान लीजिए आपको नोड जेएस आता होगा, ठीक है, नोड जेएस आप ऐड कर सकते हो. आपको एक्सप्रेस जेएस आता है, ये सारा का सारा कुछ. यू हैव रीच 5 स्किल्स मैक्सिमम, आपको अभी 5 स्किल दिया जा रहा है, आगे चल के आपको मैक्सिमम 50 स्किल्स का आपको यहाँ पे ऐड करने का जो भी ऑप्शन आपको दिखेगा. सो फिलहाल मैं इतना सा ऐड करके आगे बढ़ता हूँ. जैसे कि मैंने अबाउट सेक्शन के बारे में बता दिया, स्किल्स के बारे में बता दिया. अगर फिर भी आपको कहीं भी कुछ भी डाउट होता है तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हो, मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो. नाउ इसे इतना सा करके आपको सेव कर लेना है, जो कि आपको अबाउट सेक्शन हो चुका है, ठीक है. अबाउट सेक्शन होने के बाद नाउ अब क्या आ जाता है, यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन अगेन आपको प्रोफाइल सेक्शन में जाना है. प्रोफाइल सेक्शन कोर में मैंने क्या क्या प्रोफाइल आप कर दिया, मैंने कोर सेक्शन में एडुकेशन अब तक फिलअप नहीं किया, मैंने अबाउट सेक्शन फिल किया है एंड स्किल्स फिल किया है. एडुकेशन के लिए मैंने क्या करना है, एडुकेशन जो मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया तो अगेन आपको ऐड करने का जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने डॉक्टर बी आर ने ऐड कर दिया है, इसे ऐड कर सकते हो, ठीक है. इसके अलावा आपको जो अपने कॉलेज का है उसे ऐड कर सकते हो, आप अपने स्कूल्स भी ऐड कर सकते हो. प्रोफाइल सेक्शन में आपको जो एडुकेशन वो तो मैंने कर दिया. पोजिशन ऐड करने, पोजिशन मैं थोड़ा इसमें पोजिशन में मैं आपको बताऊंगा. मान लीजिए आप स्टार्टिंग में, हो सकता है आपने अभी तक इंटर्नशिप कोई किया नहीं होगा या फिर आपने जॉब कोई भी नहीं किया होगा, तो स्टार्टिंग में आप, हो सकता है आप कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, कॉलेज के सोसाइटी हेड हो, मान लीजिए आपने कल्चरल सोसाइटी हो, सोसाइटी हेड आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, सोसाइटी हेड, ठीक है, सोसाइटी हेड. एम्प्लॉयमेंट टाइम यहाँ पे पार्ट टाइम कर देना, क्योंकि आप
बट हमेशा इसे नहीं करते, आपको थोड़ा सा कॉलेज को मेंटेन करने के लिए ये सब करना होता है, कॉलेज में अपना जो भी स्किल्स दिखाने के लिए। कंपनी नेम आप अपने कॉलेज के कंपनी नाम डाल सकते हो, एक्स वाई जेड कोई भी डाल सकते हो, ठीक है। एक्स वाई जेड एक्स मैंने फॉर एग्जाम्पल के तौर पर रख दिया, आपने सोसाइटी का नाम दे सकते हो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल आपका भी हो सकता है, ठीक है। आप डांस क्लब में ऐड करके डांस क्लब ऐड करके आप आगे बढ़ सकते हो। लोकेशन क्या है अपना कॉलेज का, जो भी लोकेशन वहाँ पे डाल सकते हो, फॉर एग्जांपल मैंने बैंगलोर। एंड जो लोकेशन टाइप है वो आप क्या करते हो, ये ऑन साइट में करते हो, हाइब्रिड करते हो, रिमोट करते हो, कॉलेज में रह के ये काम करते हो, तो इसे आप ऑन साइट कह सकते हो, ठीक है। ये पोजिशन आपका ऐड हो चुका है। आप स्टार्ट कर सकते हो, तो कौन सा मंथ में आपने स्टार्ट किया था, फॉर एग्जाम्पल फेब्रवरी में आपने स्टार्ट किया था 23 में। एंड इसके अलावा आपको एंड डेट तो अभी आपको फिलहाल उतना ऐड नहीं करना है, आपका जो जो जिस क्लब में आप ऐड हो चुके हैं, जिस क्लब का उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। ये हो चुका है आपका जो भी पोजीशन। अब यहाँ पे आपको क्या क्या स्किल्स काम में आता है आपको इसे मेंटेन करने में, आपको यहाँ पे मैनेजमेंट का स्किल्स डाल सकते हो, ठीक है, टीम मैनेजमेंट या फिर टीम लीडरशिप, दो तीन ऐड करके दिखा दिया। आपका क्या क्या जरूरत है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, मीडिया में यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हो। मान लीजिए आप जो सोसाइटी हेड हो, मान लो आपको कुछ बैच मिला है, कुछ भी, वो यहाँ पे मीडिया मेंशन कर सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ पे आपका हो चुका है ऐड स्किल्स में, मैंने ऑलरेडी बहुत सारा स्किल्स ऐड कर दिया। अगेन आप ऐड कर सकते हो कम्युनिकेशन, या फिर कम्युनिकेशन में आपको दिखाना है कि आप इसमें कितना आपको कहाँ कहाँ ये काम में आता है, इसे आप मार्क करके ऐड कर सकते हो। आपको स्किल्स हो चुका है, ऐड मोर स्किल्स में जाके और भी ज्यादा आप स्किल्स ऐड कर सकते हो, जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत सारा कुछ यहाँ पे आप ऐड कर, आप अपने अपने हिसाब से आपको क्या क्या चीज आता है वो सारा का सारा कुछ आप ऐड कर लेना। इसके अलावा ये प्रोफाइल सेक्शन में आपको ये स्किल्स एंड आपको स्किल्स के अलावा आपको रिकमेंडेड में जो आता है, रिकमेंडेड में आपको क्या क्या ऐड करना है, फीचर जो फीचर सेक्शन, अब फीचर सेक्शन किससे बोलते हैं कैसे बोलते हैं वो मैं आपको जो इस वीडियो में मैं और भी डिटेल्स में बताऊंगा कि फीचर सेक्शन में आपको क्या करना है। जो ये जो आपका फीचर सेक्शन आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पे आप कुछ भी चीज मेंटेन करोगे यहाँ फीचर सेक्शन में आपको दिख, ये फीचर सेक्शन थोड़ा सा लंबा होगा। इस फीचर सेक्शन में आपको क्या क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। फीचर सेक्शन में सबसे पहले तो आप ऐड फीचर सेक्शन, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, प्लस करना है, ऐड पोस्ट कर सकते हो, ऐड एन आर्टिकल, ऐड ए लिंक, ऐड ए मीडिया, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई आर्टिकल लिखा हो बहुत ज्यादा वायरल गया हो, तो उस आर्टिकल को यहाँ पे फीचर्स कर सकते हो। ऐड ए पोस्ट, ऐड ए पोस्ट करके आप लिख सकते हो, ऐड ए लिंक, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई वेबसाइट है मैं उसके मीडिया के साथ ऐड कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ऐड लिंक कर दो, यहाँ पे लिंक क्या करना है मुझे लिंक ऐड करना है मैं ऐड फीचर सेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल मैं जो वेबसाइट बना चुका हूँ उसका मैं यहाँ पे ये रहा ये वेबसाइट आप ऐड कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट करके भी आप ले सकते हो, नॉट ओनली लिंक, आप स्क्रीनशॉट लेकर मीडिया भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आपको लिंक पेस्ट करना है, आपने जो काम किया है उस यहाँ पे काम का ये सबूत है, इसको दिखाना चाहते हो, आपको प्रोफाइल में कोई विजिट किया, कोई एचआर ने विजिट किया, किसी स्टार्टअप के फाउंडर ने या फिर स्टार्टअप हायरिंग मैनेजर ने यहाँ पे विजिट किया, तो आपको ये देख आपको उसे समझना आना चाहिए कि आप कुछ जानते हो, आप क्या क्या काम किए हो, ताकि एक झलक में आपको, ऐसा कहा जाता है एक लिंक्डइन प्रोफाइल में ऑन एन एवरेज 7 सेकंड का टाइम दिया जाता है, एक कोई भी रिक्रूटर आपको या फिर एचआर मैनेजर आपको 7 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। तो उस मामले में आपको फीचर सेक्शन ऐसे मेंटेन करना है ताकि एक झलक, यहाँ पे आपने ऐड कर दिया है, ठीक है, ये लिंक आपने ऐड कर दिया, इसमें आप हो सकता है आपको यहाँ पे माय वेबसाइट, माय फर्स्ट रिएक्ट वेबसाइट, यहाँ पे टाइटल माय फर्स्ट, मैं अपने तौर पे बता रहा हूँ, आप कुछ भी किया होगा तो आप इसे ऐड कर सकते हो सकता है आपने कुछ ऐप बिल्ड किया हो सकता है आपने वेबसाइट बिल्ड किया हो सकता है आपका वीडियो एडिटिंग आपको आता है, ये सारा का सारा कुछ यहाँ पे डाल सकते हो। डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो कुछ भी, ये दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट, ऐसा कुछ डाल सकते हो इसके बारे में, और वेबसाइट क्या क्या करता है, क्या क्या वेबसाइट का फीचर्स है वो सारा का सारा कुछ यहाँ पे डाल सकते हो। एंड थंबनेल डाल सकते हो, जैसे कि मैंने बता दिया था थंबनेल, यहाँ पे थंबनेल डालने के लिए आपको इसका स्क्रीनशॉट एक ले लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, ऐड कर दिया, आपने ऐड कर दिया, ये हो गया आपका फीचर सेक्शन। ऐसे आप मल्टीपल फीचर सेक्शन ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे और भी पोस्ट, आपको जो भी कुछ भी चीज यहाँ पे ऐड करके अपना जो भी काम है, क्या क्या काम करते हो आप अपने क्लाइंट को दिखा सकते हो, क्योंकि जब भी कोई एचआर मैनेजर या फिर कोई भी अगर आपको प्रोफाइल विजिट करेगा तो उनको लगे कि आपको एटलीस्ट कुछ आता हो। यहाँ पे मल्टीपल फीचर सेक्शन में आप हजारों चीज ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ऐड करके दिखा दिया आप अपने, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। मैं आगे चल के इसके नेक्स्ट वीडियो में जो भी मैं आपको बताऊंगा प्रोफाइल सेक्शन में और क्या क्या ऐड करना है, रिकमेंडेड में ऐड लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन कैसे ऐड करना है, ऐड प्रोजेक्ट कैसे ऐड करना है, ऐड कोर्सेज कैसे ऐड करना है, एंड ऐड रिकमेंडेशन कैसे, नेक्स्ट वीडियो में इस सारे की चीज के बारे में बात करूं। अगर वीडियो को आपने अब तक यहां तक देख लिया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते किसी और एक नए वीडियो के साथ, बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।